हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ फिर से बहुत ही बेहतरीन सी टिप्स लेकर, जिससे कि आपके घर के काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे, बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। बिना एक रुपया खर्च किए आप बहुत सारे पैसे बचाएंगे। और हाँ, गैस सिलेंडर ख़त्म होने की भी झंझट खत्म हो गई है। तो चलिए बिना स्किप के वीडियो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है हमारी टिप गैस को लेकर। तो गैस स्टोव हम साफ़ तो कर लेते हैं, लेकिन बटन जो है ना इसका, ये देखिए इस तरीके से रह जाता है। तो इसके लिए आप एक लोहे की या स्टील की कोई भी चाकू ले लीजिए और उससे आप इसे इजीली साफ़ कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, देखिए निकल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको साफ़ करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। एक पतला सा कोई भी कपड़ा लेना है और उस कपड़े के अंदर आपको इस तरीके से फंसा लेना है। और हाँ, यहाँ पर इस तरीके से साफ़ करते हुए रेगुलेटर आप ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि बटन जो है ना, आप देख पा रहे होंगे बटन हिलती है तो गैस भी ऑन हो सकती है, फिर वेस्ट होगी। तो इससे अच्छा है कि आप रेगुलेटर ऑफ़ कर दें। और इस तरीके से पूरी ही बटन बहुत ही बेहतरीन से साफ़ हो जाती है। तो बिना एक भी रुपए खर्च किए आप बहुत ही काम आसान कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से साफ़ रहता है ना, तो जो गैस चूल्हा है ना वो भी अच्छा लगता है और हमारे सिलेंडर की भी बचत होती है। अब यहाँ पर दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। तो जब भी हम दूध उबालते हैं, दूध उबालने में बहुत सारी गैस लगती है, तो दूध उबालते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपका जो गैस सिलेंडर है ना वो काफ़ी दिन तक चलेगा। तो सबसे पहले दूध को तो आप कवर करके उबालिए और कोशिश कीजिए कि आप कहीं भी जाए नहीं, खड़े होकर ही उबालिए और इसे बीच बीच में आप चेक करते रहिए। जब ये दूध ऊपर आने लगेगा तो हल्की हल्की सी आवाज़ें आएंगी, अगर आप उसे सुन पाते तो ठीक है, नहीं तो आप इसे लगातार चेक करते रहिए और फ्लेम को मीडियम करके ही उबालिए। हाई फ्लेम पे दूध को मत उबालिए, क्योंकि जो दूध धीरे धीरे पकता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, उसमें मलाई भी काफ़ी अच्छी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए आधे टाइम में आपका दूध उबल जाएगा जब आप इस तरीके से उबालेंगे तो। और जब ये दूध ऊपर आने लगे तो आपको लो फ्लेम कर देना है और दूध के अंदर एक चम्मच डाल देनी है। इससे आपका गैस सिलेंडर काफ़ी ज़्यादा बचेगा और ये बहुत ही ज़्यादा काम की टिप है, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर ट्रिक्स पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो ये हमारे ना कप से रिलेटेड है। जब भी हम मार्केट से इस तरीके का चीनी मिट्टी का कप लाते हैं तो ये इसमें ना एक अजीब सी खनक होती है, मतलब आवाज़ होती है, बहुत हल्का होता है ये। और दूसरी बात, ये काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी से भरा होता है, थोड़ा सा इस पर धूल मिट्टी भी लगा होता है, कई लोग हाथ भी लगाए रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना इसको थोड़ा सा भारी बनाने के लिए और हमारा कप ज़्यादा दिन तक चले, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी टिप लेकर आ गई हूँ। तो कप तो टूटेंगे ही, लेकिन अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके कप जल्दी नहीं टूटेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है किसी बड़े बर्तन में पानी इतना लेना है कि आपकी जो कप है आसानी से डूब जाएँ। पानी आपका नॉर्मल होना चाहिए, ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए। यहाँ पर सारे कप को आप एक एक करके डाल दीजिए और लगभग इसमें आप छोड़ दीजिए इसे आधे घंटे के लिए। उसके बाद में इस तरीके से जब आप डिप कर देंगे इसे, तो इसमें जो भी गंदगी है, जो भी इसका हल्कापन, जो भी इसकी आवाज़ है, वो सारी आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आवाज़ जो है इसकी चेंज हो जाएगी और कप आपका काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा काम की ट्रिक है, तो इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इससे आपके ना काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे और अगर आपका कप टूटेगा नहीं तो जल्दी जल्दी आपको कप भी लाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पैसे की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ मैं लाती रहती हूँ। और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आधे घंटे बाद मैंने इस कप को निकाल लिया है पानी से और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक अलग सी चमक भी आ गई है और ये हल्का सा भारी हो गया। तो भारी तो आप अपने हाथ में उठाएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन हाँ ये ट्रिक आप करेंगे ना तो आपका कप जो है चलेगा काफ़ी दिनों तक। तो बहुत ही काम की ट्रिक है, इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आप सबको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। यहाँ पर देखिए इस कप को आपको इस तरीके से रख देना ताकि इसमें जो भी पानी है वो सारा पानी निकल जाए। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अपनी बहुत ही खास ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए दूध हम सब उबालते हैं और दूध उबालते टाइम कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका दूध बहुत अच्छे से उबलता है। तो यहाँ पे दूध उबालने की ट्रिक तो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ एक चम्मच की हेल्प से आप कैसे जो है दूध की मलाई को बहुत ही मोटा बना सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सिर्फ एक चम्मच लेनी है और इस तरीके से आपको चम्मच को दूध में डालना है और दूध उठा के नीचे की तरफ डालना है, मतलब कि हल्का सा दूध को फेंटना है, ज़्यादा नहीं। जब ये भगोना पूरा फेन से फुल हो जाए इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, तो आपको छोड़ देना है और बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है और धीरे धीरे दूध को लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देना है। तो
तो यहाँ पे देखिए दूध अच्छे से उबल गया है। अब आप इसमें एक चम्मच डाल दीजिए या फिर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। लो फ्लेम करके आप इसे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पकने दीजिए, तो आपका दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा और जो इसकी मलाई है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी पड़ेगी। तो ये ट्रिक आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही हेल्प होने वाली है आपकी। फिर मिलती हूँ किसी ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.